जियो जैब्रा पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियो जैब्रा के अंतर्गत क्रिएटिंग एंगल एंड मेजरमेंट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एंगल्स बनाएंगे और साथ में उसका एरिया का मेजरमेंट भी करेंगे। तो आज हम जियो जैब्रा क्लासिक में एंगल्स का जो टूल है ये वाला, इसके आधार पे हम कई सारे जो इसमें टूल्स दिए हुए हैं इनका प्रयोग करके हम यहाँ पर कुछ एंगल्स बनाएंगे और उसको मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स लेंगे। हम पॉइंट्स के आधार पे हम बना सकते हैं एक एंगल को। तो जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे, एक हमने यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया। अब हम जाएंगे लाइंस टूल में, सेगमेंट की सहायता से हम इसको लाइन खींच देंगे आपस में। यहाँ पे हमने इसको खींची और यहाँ से हमने यहाँ खींच दी लाइन। अब हमें बी एंगल मेजर करना है कि बी एंगल हमारा कितने डिग्री का है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम क्लिक करेंगे एंगल को। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करिए। आपने देखा ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया है। तो इसी प्रकार हम और एंगल्स का भी निर्माण करके देखते हैं और आप इसको मूव भी करा के देख सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बन सकता है। इसको आप यहाँ से मूव में जाइए, मूव में जाके ए पॉइंट को आप जैसे करेंगे, ये देखिए सारे एंगल्स हमें पता चल रहे हैं। ये देखिए आप 50 डिग्री का हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का, उसके बाद यहाँ पे 120 डिग्री, उसके बाद आपने देखा ये 180 डिग्री। इसको हम और ले जाएंगे तो ये हमें पूरे जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं 360, तो पूरा हमें 360 का यहाँ पे दिखा देगा, 355 और 360। तो इस प्रकार हम कोई भी एंगल इसमें आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंगल विद गिवन साइज। एंगल्स को हम बना भी सकते हैं इसमें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वही मैंने कहा पॉइंट लेंगे हम, तो हमें ग्राफिक व्यू नहीं चाहिए तो हम इसको पहले हटा लेते हैं सो एक्सेस, और उसके बाद सो ग्रिड को नो ग्रिड कर लेते हैं। अब हम एंगल विद गिवन साइज बनाएंगे। तो इसके लिए हमें दो पॉइंट की आवश्यकता होगी, तो हम पहले इस पॉइंट को ले लेते हैं एक पॉइंट, और हम फिर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। फिर इन दो लाइन को हम लाइन सेगमेंट से जोड़ लेंगे आपस में। यहाँ से हमने इस लाइन को जोड़ा। अब हम चाहते कि हमारा एक एंगल बने 75 डिग्री, तो हम यहाँ पर जाके एंगल विद गिवन साइज ले लेंगे। तो पहले हम डी को सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं हाईलाइटेड हो गया। फिर ई को करेंगे, जैसे ही वो ई को करेंगे ये पूछ रहा है 45 डिग्री ऑटोमेटिक ले रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 75 डिग्री ले लेते हैं। 75 डिग्री हमने यहाँ पर एंगल ले लिया है और एक काउंटर क्लॉकवाइज बनाएगा। तो ओके करेंगे हम जैसे, तो देखो 75 आया, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब हम यहाँ से रे ले लेंगे। तो रे से हम यहाँ से क्लिक करेंगे और ये आपको देख रहे हैं रे दिख रहा है, और इस पॉइंट पे हम जाके छोड़ देंगे। तो आपने देखा कि हमारा है 75 डिग्री का एक एंगल बन गया। इसी प्रकार हम बहुत सारे एंगल्स का निर्माण कर सकते हैं इस वाले टूल्स का प्रयोग करके। अब आता है डिस्टेंस और लेंथ। तो डिस्टेंस और लेंथ बनाने के लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं। इसको पहले हम हटा देते हैं यहां से अंडू कमांड से। तो अब हम डिस्टेंस और लेंथ को लेकर एक यहां पे टूल्स का इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पॉलीगन ले लेते हैं। पॉलीगन से हम एक स्क्वायर बना लेते हैं या हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप आ गई है। अब हम इसके चारों तरफ की साइड को मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने का हमारा जो टूल्स है ये एरो वाला दिख रहा है दोनों तरफ, तो डिस्टेंस और लेंथ इसको हम क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले ए से और बी की लेंथ मेजर करेंगे। ए को हम क्लिक किया तो हाईलाइटेड हो गया, इसके बाद बी को क्लिक किया तो आपने देखा कि इसकी लेंथ हमें ये 6 सेंटीमीटर बता रहा है, और बी को हमने सी से क्लिक किया, इसकी लेंथ हमें
थ्री बता रहा है। फिर सी से हमने डी को किया तो इसकी लेंथ हो गई सिक्स, और डी से और ए की लेंथ हो गई हमारी डी ए 3 सेंटीमीटर। तो इस टूल की मदद से हम ये जो हमारा रेक्टेंगुलर है इसकी चारों तरफ की साइड्स को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और टूल है एरिया, एरिया निकालना। अब अगर हमें इसका रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना है तो हम केवल इसको बीच में क्लिक करेंगे और हमें इसका एरिया पता लग जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मूव करके हम इसको इधर को लाते हैं तो ये देखिए एरिया हमारा 18 आया, 3 6 18। तो आपने देखा कि कितना आसान है इसमें एरिया निकालना। और अगर इसी के आधार पर हम इसका पैरीमीटर भी निकाल सकते हैं इस रेक्टेंगुलर का, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर उसी टूल्स में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा जो यहाँ पे पॉलीगन ए बी सी डी 18 आ रखा है, इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एट वो आ गया हमारा, इसको हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव करेंगे। मूव से हम इसको इधर पे ले जाके देख सकते हैं, तो हमारा जो पेरीमीटर ए बी सी डी का 18 निकला है। तो आप खुद सोचते हैं 3 6 9 9 और 3 12 और 12 और 6 18। तो पैरीमीटर हमारा 18 आया और एरिया भी ए बी सी डी का 18 आया। तो इस टूल की मदद से आप किसी भी डायग्राम में किसी भी एरिया का, किसी भी जो पॉलीगन है चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, उसका एरिया भी निकाला जा सकता है और उसका पैरीमीटर भी निकाला जा सकता है।